साल 2023 के अंत में भारत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक साल पहले ही वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के शेड्यूल को जारी कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका है। अब सामने आ रही खबरों के अनुसार बीसीसीआई भारत सरकार को आईसीसी की तरफ से 936 करोड़ रुपए टैक्स अदा करेगी। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। आईसीसी को वनडे वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग से लगभग 4500 करोड़ रुपए की कमाई होने की संभावना है। वहीं आईसीसी के अनुबंध के अनुसार बड़े इवेंट के दौरान उसे मेजबान देश द्वारा टैक्स में छूट दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा नहीं हो सका था और उस समय बीसीसीआई और आईसीसी के बीच विवाद देखने को मिला था। इस विवाद के बाद बीसीसीआई को आईसीसी की तरफ से सेंट्रल पूल से मिलने वाली राशि में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की कटौती भी झेलनी पड़ी थी। वहीं इस बार क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से 2023 तक आईसीसी के सेंट्रल पूल से बीसीसीआई को लगभग 3400 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें से टैक्स की कटौती रेवेन्यू में की जाएगी। इस टैक्स विवाद को लेकर बीसीसीआई की तरफ से इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से हो सकता है, जिसमें कुल 10 टीमें इस बार हिस्सा लेंगी। बीसीसीआई की तरफ से इस मेगा इवेंट के आयोजन के लिए तकरीबन 12 मैदान शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें फाइनल मुकाबले का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा।